गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। इसमें आपका व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के शिक्षण सूत्र चल रहा था। मैंने आपको कितने 11 शिक्षण सूत्र बता दिए थे। और शिक्षण सूत्र मैंने बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम जिस तरह पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सूत्रों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से सभी विषय क्या लगते हैं, रुचिपूर्ण लगते हैं। अब जो नेक्स्ट है 12th नंबर का सूत्र, वो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये वाला जो सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये बेसिकली व्यवसाय शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो व्यवसाय शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार उपयोग में लिया जाता है, इसके अंदर विषय वस्तु को सामान्यकरण करके किसकी तरफ लिया जाता है, विशिष्टता की ओर लिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसमें सामान्यीकरण के नियमों को सामान्यीकरण के नियम को छात्र के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद उन नियमों के उसके बाद उन नियमों के अंतर्गत आने वाले अंशों आने वाले अंशों एवं शब्दावली को उदाहरण द्वारा अर्थ स्पष्ट किया जाता है। इससे अवधारणा का देखो, इसको छोड़ो, सामान्य से विशिष्ट किया, इसमें सामान्यीकरण के नियमों को, मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है, नियमों को काम में लिया जाता है। सामान्य रूप से जो सामान्यीकरण के नियम है वो छात्र के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद उन नियमों के अंतर्गत आने वाले अंशों एवं शब्दावली को उदाहरण द्वारा अर्थ स्पष्ट किया जाता है। अब इसका मतलब सुनो, जैसे व्यवसाय के बारे में बच्चों को पूरी की पूरी नॉलेज देनी है तो हम उसकी सामान्य बातों को रखेंगे। अब सामान्य बातों के अंदर जो अंदर बीच बीच में जो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण शब्दावली आ रही है बच्चों के सामने, जैसे व्यवसाय है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, फिनिश गुड है, तो इनके बारे में अब पूरा प्रोडक्शन जब आप प्रक्रिया बता रहे हो बच्चों को, तो उसके अंदर किन किन बातों को काम में लिया जाना है, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके अर्थ को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इससे ये होता है कि जो अवधारणा होती है, जैसे व्यवसाय की अवधारणा है, उसका बच्चों के अंदर पूरा का पूरा स्पष्टीकरण किया जा सकता है। मतलब पहले बच्चों को सामान्य नियमों की तरफ लेके जाओ और उसके बाद उसके अंदर जो जो विशिष्ट बातें निकली है उसके अर्थ को आप धीरे धीरे डिटेक्ट करो। जैसे व्यवसाय अध्ययन का एक उदाहरण देती हूँ, उत्पादन के नियमों का। उत्पादन के नियमों को उदाहरण देती हूँ, जैसे उत्पादन के नियम, उत्पादन के नियम बच्चों के सामने प्रस्तुत करने हैं।
ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उत्पादन के नियम पहले बच्चों के सामने कंप्लीटली उनके सामने रखेंगे। अब इसके अंदर जो विशिष्ट बातें हैं, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन वृद्धि नियम, स्थिर नियम, हार्स नियम, आदि नियमों के बारे में बताएंगे। समझ में आया कि सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जितनी भी चीजें आती है वो हम क्लियर करेंगे। उत्पादन के नियम हमने क्लियर करे, हमने नियम लिया, अब इस नियम के अंतर्गत कौन कौन से अंश आ रहे हैं उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। ये नहीं कि इन सभी को हम एक साथ सारांश के रूप में बच्चों को बता दें, ये नहीं, पहले हम इन सब के बारे में बताएंगे। अब ये नियम कहाँ काम में आता है, फैक्ट्री के अंदर। प्रोडक्शन जब हम किसी चीज का करते हैं तो हम किस नियम को अपनाते हैं, इस सूत्र को काम में लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो सूत्र है वो कहाँ इम्पोर्टेंट है, व्यवसाय को प्रभावशाली बनाने के लिए या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इस नियम को काम में लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट आता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें क्या होता है, छात्रों को जिन तथ्यों अथवा अंशों, जिन तथ्यों का वास्तविक ज्ञान है उसके आधार पर काल्पनिक तथ्यों अथवा अंशों का ज्ञान देना इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि छात्रों को जिन तथ्यों या अंशों का वास्तविक ज्ञान है उसके आधार पर काल्पनिक तथ्यों अथवा अंशों का ज्ञान देना इस शिक्षण सूत्र के अंदर आता है। मतलब विद्यार्थियों को अगर समाज की आर्थिक प्रगति के बारे में जानकारी चाहिए तो क्या मानेगा, आर्थिक प्रगति की जानकारी के लिए उसे सबसे पहले आर्थिक जो समाज की आर्थिक स्थिति है उससे परिचित होना पड़ेगा। इसी तरह जैसे जापान है, जापान की तकनीकी के बारे में वो ज्ञान प्राप्त मतलब करता है, तो वो अब हमारे यहाँ भारत में जो उद्योग तकनीकी है तो जो हमारी उद्योग तकनीकी का निरीक्षण करने के लिए उसे हम प्रेरित कर सकते हैं, निरीक्षण के द्वारा जापान की तकनीकी को क्या कर सकता है, वो और अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। मतलब मूर्त से जो उसके सामने है उससे अमूर्त की ओर जाता है। आर्थिक प्रगति के बारे में एक तरह से नॉलेज गेन करनी, आर्थिक प्रगति से छात्रों को अवगत कराना है तो हम पहले उसकी काल्पनिक बातें, काल्पनिक इन द सेंस आर्थिक स्थिति से परिचित कराएंगे। जापान की तकनीकी से अगर हमें इनसे परिचित कराना है तो पहले हम भारत में उद्योग तकनीकी का निरीक्षण करना बताएंगे। तो यही बोला जाता है कि बच्चों को हमें मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है और इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर हम इसके माध्यम से तो हमेशा शिक्षण प्रक्रिया करते हैं, और शिक्षण को अगर प्रभावशाली बनाना है तो हमें इस सूत्र का हर जगह हमें उपयोग में लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक स्तर में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे जब वो छोटा होता है, जब उसके इतने सवाल नहीं होते, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके आयु स्तर के साथ साथ उसकी सोच की क्षमता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन पुट अप होने लगते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चन पुट अप होने लगते हैं। तो एक अध्यापक को चाहिए, एक व्यवसाय अध्ययन के अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये होना जो कंपलसरी है कि जब भी हम शिक्षण कराएं, जब भी हम विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखें तो बच्चों के आयु स्तर के अकॉर्डिंग ही हमें उसको समझाना चाहिए। मतलब आयु स्तर के अकॉर्डिंग ही हमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रम में बच्चों को क्या करना चाहिए, विषय वस्तु के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज डेवलप करवाना चाहिए। तो ये इसके होते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम से, उसके आयु स्तर से, और तार्किक क्रम की ओर उसके लेवल तक हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से वहां पे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब मानसिक और आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए, विषय वस्तु को समझाना चाहिए। फिर लास्ट आता है इसके अंदर इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर, शिक्षित करने की ओर इंद्रियों का प्रशिक्षण द्वारा हम देखते हैं कि स्थूल वस्तु की तरह बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपनी इंद्रियों को ज्यादा ज्यादा काम में लेते हैं। हम अगर एक तरह से हम लेक्चर के माध्यम से या व्याख्या के माध्यम से किसी चीज को समझेंगे तो हमारा वो ज्ञान स्थायी रूप से नहीं होगा। इसके विपरीत अगर हमें किसी भी कंटेंट को समझने के लिए कान सब मतलब सुनना, हियरिंग, ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग, इन सबको काम में लेंगे, हमारे इंद्रियों को काम में लेंगे तो हमें ज्ञान अच्छे रूप से समझ में आएगा और हमारा ज्ञान स्थायी रूप से रहेगा और हम उसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये बताया है कि बच्चों को जो भी ज्ञान दे उसमें इन इंद्रियों को काम में आए, बच्चों की इंद्रियों को काम में लेना ही कंपलसरी है। बच्चों की इंद्रियों या तो करके सीखने पे बल दो, या बच्चे जिस तरह सुन रहे लिखने पे बल दो, या पढ़ने पे बल दो, मतलब कोई भी इंद्रियों को आप काम में ले सकते हो इसके माध्यम से। तो इसके अंतर्गत क्या माना जाता है, इसके अंतर्गत छात्रों में निर्णय की क्षमता नेतृत्व की क्षमता तर्क की क्षमता एवं रचनात्मक कार्यों की क्षमता का विकास होता है, और एक योग्य नागरिक के रूप में अपने आप को परिवर्तित करने का काम करता है, परिवर्तित
करने का काम करता है। मतलब हम इंद्रियों को जब काम में लेते हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर, ठीक है, इंद्रियों को जब हम काम में लेते हैं तो इसके अंतर्गत छात्रों में निर्णय की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, तर्क और चिंतन क्षमता और रचनात्मक कार्यों की क्षमता का विकास होता है। करके सीखने पर बल देते हैं, सोचने समझने पर बल देते हैं, तो इसके द्वारा बच्चों में इन सभी शक्तियों का विकास होता है और वो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अपने अंदर अपने रूप को क्या करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो ये आपके आज कंप्लीट हो गए व्यवसाय आधारित शिक्षण के शिक्षण सूत्र। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सिद्धांतों को बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण के शिक्षण के शिक्षण सूत्रों पर प्रकाश डालिए। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के शिक्षण सूत्रों पर प्रकाश डालिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।